हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक में फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है फिर से स्टार्ट होने वाला है, और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो आएंगी बैंक पीओ के लिए और बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए। ठीक है, बैंक पीओ के लिए 350 पोस्ट है और बैंक एसोसिएट के लिए 150 पोस्ट है। तो ये सबको डिटेल में देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज लिमिट होने वाली है, तो सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आप JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे JKSSB के जो भी लेक्चर्स हैं अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड, आप उनका बेनिफिट ले सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि JKSSB की जो नोटिफिकेशन, सॉरी J&K बैंक की जो नोटिफिकेशन में है उसमें क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी, JK बैंक की। तो J&K बैंक ने जो पहले भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया था फिर उसको स्क्रैप कर दिया था, लेकिन अब फिर से इन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट करने को बोला है। तो इसमें बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ डोमिसाइल ऑफ J&K UT। तो मतलब वो कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास डोमिसाइल होगा, मतलब जो डोमिसाइल होल्डर होंगे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार की पोस्ट होंगी, एक है बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर और दूसरा है बैंकिंग एसोसिएट। बैंकिंग एसोसिएट मतलब जिसको हम क्लर्क कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, भाई प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो पोस्ट है उसकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 350। ठीक है, तो 350, तो इसका क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बोला है कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। मतलब आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है, चाहे आप आर्ट्स में हो, चाहे मेडिकल साइंस में हो, चाहे नॉन मेडिकल में हो। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की हो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएट होगा तब भी चलेगा, किसी प्रोफेशनल कोर्स में होगे तब भी चलेगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तब भी चलेगा, तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी ग्रेजुएट्स हैं जिनकी एज 1 अप्रैल 2020 से, जो आपका मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम आपको 20 साल की एज चाहिए इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम आपकी एज है वो है 32। मतलब जो जो 32 क्रॉस कर जाएंगे 1 अप्रैल 2020 को वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं बैंक नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए। बैंकिंग एसोसिएट जो है इसको हम क्लर्क कह सकते हैं, तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। मतलब इसमें भी आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, कोई परसेंटेज का कोई बार नहीं है, आपकी परसेंटेज 34 है, 35 है, 37 है, जितनी मर्जी है, 40 है या 80 है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फिर से बताना चाहूँगा, जो भी ग्रेजुएट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है आप एलिजिबल हो, बट जो मैटर है सिर्फ यही है कि आपकी जो एज लिमिट है वो बैंक पीओ के लिए 20 to 32 होनी चाहिए और बैंकिंग एसोसिएट के लिए आपकी 20 to 30 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें उन्होंने डेट भी बताई है, अगर आप 2 अप्रैल 1990 इससे पहले से पैदा हुए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आप इस डेट के बाद के पैदा हुए हो तो आप एलिजिबल हो, और कहाँ तक एलिजिबल हो, 1 अप्रैल 2000 तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होगा, कब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है 20th of June को। ठीक है, 20 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा, आज 2nd जून है तो 20 जून को ये फॉर्म का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन जो है, ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को, इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने पहले से ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनके बारे में भी बताया गया है। उसके बारे में क्या बोला है, तो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड पर्सुएंट टू नोटिफिकेशन डेट जो भी है शैल बी एलिजिबल फॉर द न्यू रिक्रूटमेंट।
प्रोसेस विदाउट एनी चेंज इन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड नीड नॉट टू बी सबमिट दी एप्लीकेशन फॉर्म अफ्रेश। देखिए भी जिन बच्चों ने पहले से अप्लाई कर रखा है, जो कैंडिडेट्स पहले से अप्लाई कर रखे हैं इस पोस्ट के लिए, जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया था, वो भी एलिजिबल रहेंगे। उनको दोबारा से अपना जो रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा से फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहो तो ना दो, ठीक है। तो ये है। अब इन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी हुई है इसमें कि जो कैंडिडेट लद्दाख यूनियन टेरिटरी से हैं, जिन्होंने पहले से ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, उनको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उनको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो, ठीक है। तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगी, उनको सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। जो भी यूथ हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है J&K बैंक में जॉब लेने की, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि इसके बाद और भी प्रोसेस जो हैं, और भी एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं, और भी ये जो भी रिक्रूटमेंट है वो देखने को मिलेगी, जैसे कि JKSSB हो गया, J&K पुलिस होने वाली है, तो इस सब के फॉर्म जो हैं अभी फिल अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमें उम्मीद है कि JKSSB का जो क्लास 4th का और अकाउंट असिस्टेंट के जो फॉर्म्स हैं वो जून के मिड में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।